बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले आज की वीडियो जिस बीमारी पर मैंने बनाई है और जिसका इलाज मैं कलर थेरेपी से बताऊँगी, उसका नाम बता दूँ। वो बच्चों की बीमारी है, उसका नाम है उम्मुस सुबियान। इस बीमारी पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको कलर थेरेपी का जो बेहतरीन नॉलेज है वो मिलता रहे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भला हो और आप लोग भी मेरी तरह दूसरों की खिदमत कर सकें। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हमारा ये जो गोश पोस्ट का जिस्म है, फिज़िकल बॉडी है, इसके ऊपर 9 इंच ऊपर एक रोशनियों से बना हुआ जिस्म होता है, जिसको जिसमें मिसाली कहा जाता है और उसको ओरा भी कहते हैं। इस जिस्में मिसाली के अंदर हमेशा तगैर होता रहता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें मिसाली की रोशनियों में ठहराव आ जाता है। जिसमें मिसाली की रोशनियां जब किसी एक नुक्ते पर चंद लम्हों के लिए ठहर जाती हैं, तो आदमी को अपने माहौल में नादीदा चीज़ें, यानी कि छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगती हैं, और इंसान की अपनी रूह के साथ हम आहंगी हो जाती है। जब जिस इंसान की रूह और जिस्म के साथ हम आहंगी हो जाए, तो उस इंसान के अंदर मोहब्बत और खिदमत के जज्बात जो हैं वो परवरिश पाने लगते हैं। जब ऐसा इंसान जिसकी अपनी रूह के साथ हम आहंगी हो गई है, जिस्म और रूह की हम आहंगी हो गई है, यानी कि उनकी आपस में कोऑर्डिनेशंस जो बढ़ गई है, जब ऐसा इंसान किसी कमरे में दाखिल होता है, तो कमरे का जो माहौल है वो रोशन हो जाता है और वहाँ की फ़िज़ा जो है वो लतीफ़ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जिस्में मिसाली पूरे कमरे में छा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जिस्में मिसाली सुकड़ जाता है, यानी बदरंग हो जाता है। जो बदरंग जिस्में मिसाली है, उसकी वजह से माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है और फ़िज़ा जो है वो मुकद्दर हो जाती है। बाज़ लोगों के जिस्में मिसाली में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन वो दूसरों के जिस्में मिसाली को मुतासिर करते हैं, और ये जो है मस्बत और मनफी दोनों तर्जों में होता है। जब दो अफराद आपस में मिलते हैं, तो जो ताकतवर है वो कमज़ोर को मुतासिर करता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक शख्स का जो रंग है, वो दूसरे शख्स के रंग पर गालिब आ जाता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि ख्वाह कितने ही गुनाह क्यों ना हो जाएं, सही तर्ज फ़िक्र ये है कि इंसान अल्लाह ताला के हुजूर खुशू और खुजू और नदामत के आंसुओं का नजराना पेश करे, अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों पर नादिम हो, पशेमान हो और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जहाँ से इंसान को वो सब कुछ मिल जाए जो इंसान की ज़रूरत है, और वो है अल्लाह ताला का घर, अल्लाह ताला का दर, अल्लाह ताला की ज़ात जो कि यकता है, अकेला है, वाहिद है, मेहरबान है। अल्लाह ताला ही है जिससे अगर इंसान एक दिन में 1,00,000 ख्वाहिशें भी इंसान जो है अल्लाह ताला से वाबस्ता कर ले, तो अल्लाह ताला की ही ज़ात जो है ऐसी बाबरकत ज़ात है कि वह इंसान की वो तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएं पूरी करने पर कादिर है। हमारा अल्लाह, हमारा प्यारा अल्लाह हर वक्त मखलूक की खिदमत में अल्लाह ताला मसरूफ़ रहता है। अल्लाह ताला वाहिद, यकता है, मेहरबान है, बहुत ज़्यादा अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा अल्लाह जो है, वो हर वक्त हमारे जो है ख्वाहिशात को पूरा करता है, हमारे लिए वसाइल फराहम करता है, एक ज़ाब्ते और कानून के तहत हमारा घटना बढ़ना, हमारे लिए हर तरह के वसाइल फराहम करना, हमें सेहत देना, बीमारियों से निजात दिलाना, सब कुछ अल्लाह ताला के करम से ही मुमकिन है।
तो अल्लाह ताला के हुजूर अपनी कुर्बत अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कीजिए, अल्लाह ताला को अपने अंदर महसूस कीजिए, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ कीजिए, उसकी तस्बीह कीजिए और उसकी मोहब्बत के खातिर उसके बंदों से मोहब्बत कीजिए और उनकी खिदमत भी कीजिए। चलिए कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ। आप ये समझिए कि हर गुनाह जो है वो एक ख़तरनाक वायरस है, इससे आपने अपने आप को बचाना है, इससे आपने अपने आप को 2 फुट दूर रखना है, ज़िक्र का मास्क लगाना है, इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार का सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, 5 वक्त नमाज का सेल्फ डिफेंस जो है सिस्टम वो आपने अख्तियार करना है, इसके साथ साथ जो आपका ईमान का इम्यून सिस्टम है वो आपको इस ख़तरनाक गुनाह के वायरस से बचाएगा। और आप जब गुनाहों से बच जाएंगे तो फिर आप अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो बच्चों की बीमारी है उम्मुसुबियान, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सूखना शुरू हो जाता है, लागर हो जाता है और इसके साथ साथ उसको दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके मैं असबाब बताती हूँ। इसके असबाब में जो है वो ये कि जो प्रोटीन है, लहमियात है, उसकी कमी हो जाती है, इसके साथ साथ जो कुव्वत बख्श अज्जा हैं वो ग़िज़ा में कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को अक्सर जब दूध माँ जो फीड करवाती है वो दूध छुड़ाया जाता है तो बच्चे को सही ग़िज़ा नहीं मिलती है, ये भी वजह होती है, और गुर्बत भी इसकी वजह है। इसके साथ साथ बच्चों को कब्ज़ रहता है उसकी वजह से भी, और पेट में कीड़े हों उसकी वजह से बच्चे को, क्योंकि पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती इसकी वजह से वो बच्चा जो है वो सूखना शुरू हो जाता है और उसको उम्मुसुबियान का मर्ज लाहक हो जाता है। इसकी अलामात में बताती हूँ। इसमें यह है कि नशोनुमा में कमी हो जाती है, वज़न में कमी हो जाती है, बच्चा जो है वो सूख कर ढांचे की तरह बनना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके हाथ पैरों में जो है वो तशन्नुज पैदा हो जाती है, बार बार उसे बुखार चढ़ता है, इसके साथ साथ उसकी आँखों के टेले जो हैं वो ऊपर हो जाते हैं, बच्चा ख्वाब में बार बार चौंक जाता है, चौंक कर उठ जाता है, चीख चीख कर रोता है, दूसरों को नोचता है, इसके साथ साथ उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी ग़िज़ा जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब ऐसी हालत होती है बच्चे को तो वो ना सही तरह से खा सकता है ना सही तरह से पी सकता है और इस तरह से वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इसकी मैं अब ग़िज़ा बता देती हूँ आपको। बच्चा छोटा है, माँ फीड करवाती है तो माँ उसको फीड करवाए, और बच्चा अगर नरम ग़िज़ा खा सकता है तो उसको नरम ग़िज़ा दें, खिचड़ी है, साबूदाना है, दलिया है, जो बच्चा शौक़ से ग़िज़ा खाता है वो उसको लाजमी दें। और बच्चा अगर बड़ा है तो वो अगर ग़िज़ा लेता है तो उसको चपाती दे सकते हैं बकरी के शोरबे के साथ, इसके साथ साथ जो भी बच्चा शौक़ से ग़िज़ा खाता है वो उसको दें। परिंदों का गोश्त है, जैसे फिश अगर बच्चा खाता है या चिकन खाता है वो उसको दें, ताज़ा फल आप उसको दे सकते हैं, सब्ज़ियाँ आप उसको दें, उसको जूसेस वगैरह दे सकते हैं, जितनी भी घर की अच्छी ग़िज़ाएँ हैं वो आप उसको दें। इसके साथ साथ बाज़ारी जितने भी खाने हैं, जंक फूड है और जितने भी बाहर के सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, चिप्स हैं, स्लैंडीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हरगिज़ ना दें, क्योंकि वो उसकी नशोनुमा को बिल्कुल ही बंद कर देंगी, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाएं, जूसेस ज़्यादा पिलाएं और ताज़ा फ्रूट जो हैं उसकी स्मूदी बना दें या उसको काट कर दें, जिस तरह भी बच्चा खाना पसंद करें आप उसकी ग़िज़ा का पूरा पूरा ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप जो है खट्टी चीज़ें हैं, चावल है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, इन चीज़ों से बच्चे को परहेज़ करवाएं। और इसका इलाज मैं कलर थेरेपी से बताती हूँ, इंशाल्लाह ताला बच्चे को शिफा होगी। अब मैं आपको बच्चों का मर्ज उम्मुसुबियान का कलर थेरेपी से इलाज बताती हूँ। इसमें आपने 3 कलर का पानी बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे? आपने शीशे की ये 3 बॉटल्स लेनी है और सेलोफिन पेपर ब्लू कलर का, येलो कलर का और ये ऑरेंज कलर का, ये आप शीशा टेप से इनके ऊपर रैप कर दें। उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और बोतल की नेक तक आपने इसको भरा और उसको आपने लकड़ी की एक टुकड़े पर
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन तीनों बॉटल्स को फासले फासले से एक दिन धूप में रखना है। उसके बाद आपने उठा लेना है। फिर आपने ये 4 दिन पानी इस्तेमाल करना है, 5वें दिन नए इसी तरीके से नया पानी बनाना है। तरीका मैं बता देती हूँ पीने का। ये जो ब्लू कलर वाटर है ये आपने सिर्फ दिन में एक बार देना है। कितना देना है? 12 साल का जो बच्चा है, 12 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको आपने जो है 1 औंस पानी देना है, यानी आधे से आधा कप। और जो उससे छोटा बच्चा है उसको आपने 1 चाय वाला चम्मच दिन में 1 मरतबा। और जो ये येलो कलर वाटर है ये आपने खाना खाने के बाद दोनों टाइम बच्चों को देना है। जो मैंने मिकदार बताई है उसी मिकदार से ये भी देना है। और जो ये ऑरेंज कलर वाटर है ये सुबह शाम इसी तरह देना है। जो 10 साल का बच्चा हो उसको 1 औंस और जो उससे छोटा है उसको 1 चाय का चम्मच दिन में 2 बार। और ये है सन रेस कलर ऑयल। ये आपने बच्चे के पूरे जिस्म पर उल्टे दायरों में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में सुबह शाम आपने 10-10 मिनट उसके मसाज करना है। और ये ऑयल आपको हमारी अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी करीम पार्क लाहौर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।